ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी बढ़िया होंगे। बोला था ना, बहुत ही जल्द आईक्यू G9S का फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, सो लेकर आ गया। पिछली बार मैंने इसके बड़े भाई का डिटेल शेयर किया था, यानी आईक्यू G9S Pro का। दोस्तों अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। चल 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 चल। रुको रुको, कहाँ चल दिए, पहले इस वाली वीडियो को फुल देख लो। इस फोन का क्या स्पेसिफिकेशन होगा, क्या प्राइसिंग होगी और कब तक ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा, सभी चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं अभिराज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अभिराज टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फोन ऑफिशियली इंडियन मार्केट में 21 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा। इसका लैंडिंग पेज अमेजोन पे ऑलरेडी आ चुका है। इस फोन के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन की बात करें, 6.78 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ आएगा। और हाँ, 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। और हाँ, आउटडोर या इंडोर कहीं भी यूज करो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की बात करें तो एवरेज रहने वाला है। इस फोन को पावर देगा MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट। इस चिपसेट का एवरेज Antutu स्कोर 6 लाख प्लस आता है। डे टू डे यूज के लिए काफी सही रहने वाला है। और हाँ, आईक्यू का फोन गेमिंग के लिए ही जाना जाता है, तो इसमें गेमिंग आप नॉर्मल आराम से कर पाओगे। डुअल कैमरा देखने को मिल जाएगा बैक में। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, जो कि सोनी IMX882 सेंसर के साथ आएगा। बाकी का जो एक कैमरा है वो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। या तो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा, या 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं है। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा दिया जाएगा। बैक कैमरे से आप 4K वीडियोग्राफी शूट कर पाओगे। बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो 5500mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 44W फास्ट चार्जर को सपोर्ट करेगा। और हाँ, चार्जर टाइप सी रहने वाला है और चार्जर बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। अदर फीचर्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 दिया जाएगा, जो कि फोन टचOS 14 पे रन करेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और फेस अनलॉक का भी फीचर दिया जाएगा। और ये फोन आपको 2 कलर में देखने को मिल जाएगा, व्हाइट और ग्रीन। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है इस फोन का प्राइस। बेस वेरियंट 8GB रैम 128GB से स्टार्ट होगा, जिसका प्राइस 19,000 के अप्रोक्स रहने वाला है। और हाँ, इसमें 8GB तक वर्चुअल रैम को एक्सपेंड कर पाओगे। और हाँ, इसके कैमरे में आपको AI का फीचर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके बड़े भाई में डेफिनेटली AI का फीचर देखने को मिलने वाला है, तो चांस है इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। इस फोन से रिलेटेड जितने भी लीक एंड रूमर्स आ रहे थे, सारे के सारे मैंने बता दिए हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस फोन के फीचर के हिसाब से इसका प्राइस क्या हो सकता है। ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।